मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे स्टूडियो में। मैं निशांत कुमार, फिजिक्स टीचर और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत खास टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करें, इसका डिस्कशन करेंगे। बच्चों, जब मैं क्लास लेता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चों की एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है, कॉमन क्वेश्चन रहती है मुझसे कि फिजिक्स में कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करें। तो बच्चों, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ना है आपको, और ये कोई छोटी मोटी टॉपिक भी नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत दमदार टॉपिक है। फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आपको तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। ठीक है, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। क्वेश्चन बनाने के एक्सपीरियंस होंगे, क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस होगी, तभी जाकर के आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरी बात एकदम हमेशा ध्यान में रखना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बात तुमने कई बार सुनी हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब बात ये है कि कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए प्रैक्टिस कैसे करना है। कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए प्रैक्टिस फिजिक्स में खासकर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके करना है, बहुत सारे क्वेश्चन। जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे मान लो एक टॉपिक है, मैं नाम लिखा हूँ यहाँ पे, फिजिक्स में एक टॉपिक आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो जब तक आपको काइनेमेटिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप इसको क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे, और जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने टीचर के पास जाना है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, और ये काइनेमेटिक्स टॉपिक के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने हैं। उसके बाद जो भी बुक आप फॉलो करते हो, जो भी पूरे वर्ल्ड में जो बुक आपको अच्छी लगती है, चाहे एच सी वर्मा हो, चाहे एमटीजी हो, चाहे डीसी पांडे हो, या किसी कोचिंग में आप पढ़ते हैं तो आपके कोचिंग के पैकेज, वो बुक उठाओ और उस बुक को उठा करके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक बार तुमने क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए, इसमें तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर काइनेमेटिक्स से तुमको डर नहीं लगेगा। फिर काइनेमेटिक्स के बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता है, ऐसे ही 12th क्लास में अपना आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप गए, यहाँ के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिया आपने, फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप जो बुक फॉलो करते हैं उस बुक के बहुत सारे डाउट्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दो टॉपिक्स में आपको कॉन्फिडेंस आ गया, ऐसे ही 12th क्लास में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो धीरे 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 करके, अगर आप धीरे धीरे समझ रहे हो ना, बूंद बूंद मिलने से समुद्र बनता है। तो जैसे जैसे तुम्हारे टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे, जैसे जैसे तुम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे, यहाँ पे तुम्हारी कॉन्फिडेंस बननी जाएगी। जब यहाँ पे तुम्हारी कॉन्फिडेंस बनती जाएगी तो धीरे 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 पूरी फिजिक्स में तुम्हारी कॉन्फिडेंस बनने लगेगी। यही एक रास्ता है फिजिक्स में प्रैक्टिस, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस लाने की। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, लास्ट में बता रहा हूँ तुम्हें कि जो एग्जाम देने तुम जाते हो, और एग्जाम देने जब जाते हो तो सेंटर से बाहर जब खड़े होते हो एग्जाम के आधे घंटे पहले, तो उस वक्त तुम्हारे अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर उस वक्त तुम्हारे अंदर चल रहा है कि बहुत सारे टॉपिक्स के तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं और इनके क्वेश्चंस कहीं से भी आएंगे तुम कर लोगे, तो डेफिनेटली तुम एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। अगर तुम्हारे मन में डाउट चल रहा है, अगर तुम्हारे मन में डर लग रहा है कि मैंने तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया है, मैंने तो इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है, तो डेफिनेटली तुम निगेटिव मार्किंग करके आओगे वहां पर। ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे बच्चों ने एक्सपीरियंस किया है। पेशेंस रखो, मेहनत करो, एक दिन सफलता तुम्हें भी मिलेगी। मेहनत कर खामोशी से, सर पे तेरे ताज होगा। मेहनत कर खामोशी से, सर पे तेरे ताज होगा। जिस जगह पे तू पांव रखेगा उस जगह पे तेरा ही राज होगा।